विशाली के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, इंसाफ दो, विशाली को इंसाफ दो, इंसाफ दो, विशाली को इंसाफ दो, इंसाफ दो, जस्टिस जस्टिस। कल जो हमारी सांबा की एक लड़की का जो मर्डर हुआ है और उसकी बॉडी जो लुधियाना से मिली है, उसके लिए आज हमने एक मार्च रखा था और हम उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। विशाली को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर विशाली। हमारी डीसी मैम से, एसएसपी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो कल्प्रिट है उसको पकड़कर सलाखों के अंदर किया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए ताकि विशाली की आत्मा को शांति मिले। पूरे सांबा के लोगों ने और सांबा का जितना यूथ था, चाहे वो बालेश्वर था या सांबा के लोकल लोग थे, उन्होंने विशाली के लिए, जो जस्टिस के लिए नेशनल हाईवे भी ब्लॉक किया था, फिर भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि हमारी जो बहन विशाली है, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे सांबा यूडीसी कॉलेज की स्टूडेंट थी और बहुत ही ओनर स्टूडेंट थी वो, और उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे और गवर्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सांबा डीसी मैम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, एसएसपी सांबा से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जिन भी लोगों ने विशाली की हत्या की है उनको पुलिस हिरासत में लिया जाए और उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए ताकि जो हमारी आज बहन हमारे बीच में नहीं है उसकी आत्मा को शांति मिले। और जब तक एडमिनिस्ट्रेशन उन कातिलों को नहीं ढूंढेगी, सांबा का युवा और जो कॉलेज के स्टूडेंट है, जैसे आज सभी आए हुए हैं और हमारे सरपंच साहब भी आए हुए हैं, जे हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द मतलब क्रिमिनलों को पकड़ा जाए और ताकि वो लोग सलाखों के पीछे हों।